ज्योत्सना विगारी, आप देख रहे हैं एनपी यू न्यूज। चले चलते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। भाजपा ने यशवंत सिंह के बयान को बताया बुरी मानसिकता वाला। मुसेवाला हत्याकांड में हुआ सबसे बड़ा खुलासा, 19 साल के अंकित ने किया था मुसेवाला को छोड़। देश के सबसे महंगे सेलिब्रिटी ब्रांड बने विराट कोहली, शाहरुख खान को पूछा। डेनमार्क के एक शॉपिंग मॉल में गोलीबारी की घटना, 3 की मौत, कई घायल। कर्नाटक की सीनी सेट्टी ने अपने नाम किया मिस इंडिया वर्ल्ड 2022। सिंधे ने सीएम बनने पर दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कसा तंग। खटीमा में 13 वर्ष किशोर को मगरमच्छ ने बनाया निवाला, किशोर की खोजबीन। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए नई ओपीडी कक्ष की हुई शुरुआत। कालाडूंगी में पुलिस ने 4.10 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा। हरिद्वार में उषा ब्रेको लिमिटेड की ओर से संचालित 6 जुलाई तक श्रद्धालुओं को नहीं मिल पाएगी उड़न खटोली की सेवा। लक्सर में ग्रामीणों ने बीती रात एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गदरपुर फायरिंग घटना में प्रयुक्त कार सहित मालिक को किया गिरफ्तार। लक्सर में एसडीएम की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में टीम ने पकड़े 8 खननकर्ता। पर्वतीय क्षेत्रों की 14 ग्राम सभाओं और 6000 के वादियों को जोड़ने वाली देवीपुरा सॉड मोटर मार्ग 5 दिन से बंद, अब अजाहिर। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में आकर बढ़े युवक की पुलिस की मुस्तैदी से बची जान। कालाडूंगी में वन चौकी में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देना युवक को पड़ा। जसपुर में आगामी बकरा ईद त्योहार को लेकर प्रशासन हुआ सतर्क, कोतवाली और तहसीलदार ने स्थानीय निवासियों व ग्राम प्रधानों के साथ की बैठक। हरिद्वानी में हर घर जल हर घर नल का वादा करने वाली सरकार नहीं दे रही ग्रामीणों पर। तारगंज में आशा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हो रही गलत व्यवहार और ओवर वर्कलोड को लेकर नाराजगी जताते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया था। हल्द्वानी में बिना फिटनेस की दौड़ रही स्कूल बस, लगी आग। लोहागाट के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के स्थान घाटों में सुरक्षा उपाय करने की लोगों ने प्रशासन से। हरिद्वार के एक आम के बाग के बाहर ठेकेदार का पड़ा मिला शव, शव मिलने से क्षेत्र में फैली। लोहागाट में व्यापारियों ने बिना सत्यापन के फेरी लगाने वाले बाहरी लोगों पर रोकथाम लगाने की प्रशासन से की। चंपावत में जिलाधिकारी ने सुनी अतिक्रमण प्रभावितों की समस्या। पार्किंग की समस्या का जल्द ही होगा निदान, बोले धीरज गर्बियाल।